झुंझुनू के खेतड़ी कस्बे में सामाजिक संस्था लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट द्वारा पिछले 6 महीने से वार्ड नंबर 2 में वार्ड प्रमुख रामेश्वर कुमावत की अपने निजी निवास पर योग शिविर जारी है, जिसमें योग शिक्षिका सरोज देवी निःशुल्क सेवा दे रही है। सरोज देवी ने बताया कि पिछले 6 माह से कोरोना जैसी महामारी के चलते योग शिविर शुरू किया गया था, जिससे आमजन की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े और इस वैश्विक महामारी से लड़ने की उनको ताकत मिल सके। हमारे इस योग शिविर में लगभग 20 से 25 महिलाएं और बच्चे रोज योग करने के लिए आते हैं और मेरा मानना है कि आप अगर रोज योग करते हैं तो आप किसी भी प्रकार की बीमारी से लड़ सकते हैं। ट्रस्ट प्रभारी सुनील कुमार ने बताया कि योग को अपने नित्य जीवन में शुरू करें, जिससे आप हर प्रकार के स्वस्थ और मजबूत बनेंगे और बहुत जल्द हमारा यह अभियान सभी वार्डों में शुरू किया जाएगा और अलग अलग जगह पर अलग अलग योग शिक्षक ट्रस्ट की तरफ से नियुक्त किए जाएंगे, जो कि अपनी निःशुल्क सेवाएं देंगे। हमारा मुख्य लक्ष्य यही है कि हम योग के माध्यम से ज़्यादा आमजन के जीवन में सुधार लाने का हमारा प्रयास है और इस योग का ट्रस्ट के माध्यम से आमजन को इसका पूरा लाभ मिल सके, यही हम आशा करते हैं। लोक सेवा ट्रस्ट की तरफ से पिछले 1 साल से योग अभ्यास चालू वार्ड नंबर 2 में सरोज देवी की तरफ से, तो मैं आम जनता से ये अपील करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में योग करें और इस बड़ी से बड़ी महामारी से लड़ने की क्षमता इससे मिलेगी, प्रतिरोधक क्षमता मिलेगी। लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट द्वारा पिछले 2.5 वर्षों से हम योग शिक्षा के ऊपर कार्य कर रहे हैं, जिसमें हमारा 2 जगह योग शिक्षा केंद्र बना रखे हैं, एक वार्ड नंबर 2 में और एक काली माता मंदिर में। इसी प्रकार हम 2 जगह योग शिक्षक भी नियुक्त कर रखे हैं और लगातार वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं और मेरा मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम नित्य जीवन में इस योग को अपनाएंगे तो स्वाभाविक ही आपको कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़ने की ताकत भी मिलेगी, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और भी जैसे कई प्रकार की बीमारियों का सामना करने के लिए आपके शरीर का इम्यून सिस्टम बढ़ता है इससे। तो मेरा ये मानना है कि आगे भी हमारा योग शिक्षा यूं ही निरंतर जारी रहेगा और आगे भी हम ये प्रयास कर रहे हैं कि और भी कई जगह पर अभी बाकी चल रहा है तो कई जगह के ऊपर योग शिक्षक नियुक्त करने की हमारी प्रक्रिया अभी शुरू है और आगे भी हम ऐसे योग का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चीज़ का लाभ दिलाएंगे। धन्यवाद।